आ चाय ले लो भाई, गर्मा गर्म चाय। आ चाय ले लो भाई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो। ऐसे एक आदमी साइकिल पर चाय रखकर गांव भर में घूमता था। उसका नाम था शंकर। आए हुए लोगों को अच्छी अच्छी बातें कहकर चाय बेचता था। अगर गरीब लोग आकर लेते तो उन्हें मुफ्त में देता था। एक, क्यों रे शंकर, पहले ही तुम इतनी मेहनत से कमाते हो, अब ऐसे गरीब लोगों को मुफ्त में दोगे तो कैसे चलेगा रे? ऐसे रहा तो तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा रे? तब शंकर, भैया वो भगवान के कृपा से सब ठीक ही है, बेचारे उनकी भी तो चाय पीने की इच्छा होगी ना, उन्हें ऐसे देने से मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कहा, एक बार उस गांव में टी पॉइंट नाम की एक चाय शॉप शुरू की गई। उसके मालिक का नाम था धीरज। वो बहुत लालची था। उसका टी पॉइंट कॉन्सेप्ट नया होने की वजह से बहुत लोग आने लगे। लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से कुछ दिनों बाद आना बंद कर दिए। एक दिन वो एक कस्टमर से, भाई आजकल क्यों तुम आ नहीं रहे हो? तुम ही नहीं, लोग भी आना बहुत कम कर दिए, क्या कारण है? मैं ये टी पॉइंट फ्रेंचाइजी के लिए बहुत पैसे खर्च किया हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है? यूं पूछा वो। क्यों क्या पूछ रहे हो अंकल? आपके पास अगर चाय पीना हो तो जेब में बहुत पैसे होने चाहिए। ऊपर से गांव में वो शंकर के पास चाय अच्छी मिलती है, ऐसे सब मानते हैं। उसका चाय का दाम कम भी है, वही नहीं पूरे गांव भर में घूमकर बेचता है। चाहो तो फोन करने पर हमारे पास ही आकर देता है। शायद तब नया होने के कारण सब आपके पास आए होंगे, लेकिन अब मैं जितना जानता हूँ अब आपके पास कोई नहीं आएगा। ऐसे कहा, वो सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया। तब मन में, रे शंकर तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम्हें अगर इस गांव में रहने दिया तो मेरा जीना नामुमकिन हो जाएगा। तुम नहीं रहोगे तो लोग मेरे पास ही आएंगे, यूं सोचा। एक दिन धीरज अपने कार में आकर शंकर के साइकिल को मारकर चले गया। वो सीधा जाकर खड्डे में गिर गया। साइकिल टुकड़े टुकड़े हो गई। कमर टूट जाने के कारण शंकर बिस्तर पर आ गया। खाना पानी कुछ नहीं होने के कारण शंकर को बहुत तकलीफ हुई। शंकर की चाय बंद हो जाने के कारण सब लोग फिर धीरज के पास ही जाने लगे। वो देखकर वो बहुत खुश हो गया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी, एक स्वामी जी शंकर के घर आए। बूढ़े आदमी के हाथ में खाना था। वो शंकर को देते वक्त बेचारा पता नहीं कब से भूखा था, फट से सब खा गया। तब बूढ़ा आदमी, बेटा शंकर मैं एक मजदूर हूँ, तुम मुझे काफी बार मुफ्त में चाय पिलाए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है ये मुझे आज ही पता चला। ये पड़ोसी गांव में ही रहने वाले स्वामी जी हैं, तुम्हारी शायद कोई मदद कर दे सोचकर लेकर आया हूँ। ऐसे कहा तब शंकर, ठीक समय पर खाना लाकर मेरी जान बचाए, लेकिन क्या फायदा, ऐसे कब तक मैं यूँ बिस्तर पर लेटा रहूंगा, इसलिए मैं मरने की सोच रहा हूँ। स्वामी जी मुझे मरण का प्रसाद दीजिए स्वामी। ऐसे कहा तब स्वामी जी, गलत बात है बेटा, ऐसे ख्याल को मन में आने मत दो, तुम्हारे साथ ये जिसने किया है मुझे पता है, तुम्हारे दुख मैं दूर करूँगा। कहते हुए हाथ घुमाते ही शंकर का दर्द गायब हो गया और वो खड़ा हो सका। स्वामी जी को नमस्कार किया। स्वामी जी उसे अपने साथ बाहर लेकर आए। वहाँ देखने पर एक चाय गाड़ी खड़ी थी। बेटा ये एक जादुई चाय गाड़ी है, इससे हमेशा ताज़ा ताज़ा चाय आती ही रहेगी, दूध चाय पत्ती ये खरीदने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहकर आशीर्वाद देकर चले गया। तब शंकर उस चाय गाड़ी टैप में चाय लेकर बूढ़े आदमी को दिया। उसने कहा कि वो बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन से शंकर उस चाय गाड़ी में घूम कर ही चाय बेचने लगा, गरीब लोगों को मुफ्त में चाय देने लगा। शंकर फिर से अपना व्यापार शुरू करने की वजह से अब धीरज अपनी दुकान बंद करके चले गया।